नीता नगरी इज स्पॉन्सर्ड बाय खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं। देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या, कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए या उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। कुछ मित्र लंबे समय से डेवलपमेंटल जर्नलिज्म कर रहे हैं, हालांकि ऐसे खांचे में नहीं बांटना चाहिए। जो असल बुनियादी दिक्कतें हैं उनकी तह तक जाना, और इसलिए हमें लगा कि हम नेता नगरी कार्यक्रम के लिए इनको बुलाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुष्यमित्र जी। नमस्कार। पहला सवाल मेरा आप दोनों से, राजदीप सरदेसाई और पुष्यमित्र दोनों से, ये है कि ये जो सीटों का बंटवारा है इसको आप किस तरह से देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को साधने की कोशिश की गई? पुष्यमित्र। अभी जो सीटों का बंटवारा है, खासतौर पर एनडीए में जो समझ में आ रहा है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी किसी न किसी तरीके से बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रही है बिहार में। जो अभी तक पिछले 30-35 साल तक भी बीजेपी यहाँ एक्टिव रही, लेकिन बन नहीं पाई किसी भी तरीके से, इसलिए उसने लगभग नीतीश के बराबर सीटें ली है। और उसके साथ साथ एलजेपी बाहर चली गई है, और एलजेपी के बारे में ऐसी धारणा बन रही है कि वो बीजेपी के पी टीम के रूप में एक्टिव रहेगी, जो जदयू को थोड़ा डैमेज करेगी। अच्छा, देखिए सौरभ, हाँ जी, मुझे लगता है जो बिहार में जो जिस तरह से सीट का बंटवारा हुआ है वो वही दर्शाता है जो हमने पिछले साल देखा था महाराष्ट्र में और अन्य कुछ राज्यों में, कर्नाटका में, कि एक समय जो वैचारिक जो एक तरह से मतभेद होते थे और हर पार्टी के अपने लोग होते थे जिनको सीटें मिलती थी क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए थे, वो जो पार्टी सिस्टम है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। आप देखिए, भाजपा के जो कुछ वर्कर्स थे या लीडर थे उनको लोजपा में आज सीटें दी गई हैं, यानी अगर आपको भाजपा में सीट नहीं मिलती तो आप लोजपा चले जाते हैं, शायद जेडीयू को कमजोर करने के लिए। जिनको जेडीयू से सीटें नहीं मिलती हैं वो कोशिश करते कर रहे थे कि आरजेडी में उनको सीटें मिले। कहीं ना कहीं जो एक जमाने में एक तरह से मैं कहूंगा एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड, एक विचारधारा की जो डिवाइड थी वो अब बिहार में भी नहीं रही है। कल का जो आरजेडी कैंडिडेट जेडीयू में जा सकता है, जेडीयू का कैंडिडेट आरजेडी में आ सकता है, यानी एक ही मकसद है कि किस तरह से सत्ता में या तो आप आपको सीट मिले या आप कहीं ना कहीं इस सत्ताधारी जो रेस चल रही है बिहार में उसमें आपका कोई गेम चेंजर जैसा रोल हो या एक्स फैक्टर रोल हो। इससे मुझे लगता है दुख की बात है कि असली मुद्दे फिर जो है वो कहीं कमजोर हो जाए। असली मुद्दों पर हम आएंगे पुष्यमित्र। में दो सवाल है मेरे। पहला ये है कि एक अरसे के बाद लेफ्ट के सभी, मतलब जो तीन प्रमुख धड़े हैं सीपीआई, सीपीएम और एमएल, उनका आरजेडी के साथ गठजोड़ हुआ है। हमने लोकसभा चुनाव में देखा था किस तरह से बांका और पाटलिपुत्रा के लिए एक टेक्निकल समझदारी बनी थी, सीपीआई के साथ नहीं बन पाई थी। जमीन पर इसका क्या रेजोनेंस दिख रहा है? ये वोट ट्रांसफर होता है, नहीं होता है? क्या मंच भी साझा होगा, साझा घोषणा पत्र होगा? क्या बातें हो रही पटना में? साझा घोषणा पत्र जैसा तो कुछ होगा नहीं, अपने चुनाव में घोषणा पत्र होता भी नहीं और उसका कोई महत्व ढंग से नहीं होता है। लेकिन जो अभी तक सीपीआई एमएल जो है राजद के साथ नहीं आती थी, उसका एक बड़ा सवाल यह रहता था कि चंद्रशेखर की हत्या में शहाबुद्दीन का हाथ बताया जाता था, जिसके कारण वो लोग दूरी बरतते थे। इस बार वो दूरी खत्म हो गई है और मान लिया गया है कि दो ही धड़े हैं और उन दो धड़ों में या तो आप इधर रहेंगे या उधर रहेंगे। तो लेफ्ट ने तय कर लिया है कि अब अगर एंटी बीजेपी ही रहना है तो अलग रह के चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं है, हम महागठबंधन के साथ जाएंगे। अच्छा, और ये जो बात जिसका जिक्र राजदीप ने किया, हमने देखा दिनारा में राजेंद्र सिंह, जिनके लिए सुगबुगाहट चल रही थी कि प्रोबेबल सीएम फेस हैं, वो चले गए, रामेश्वर चौरसिया, ऐसी एक लंबी फेहरिस्त है। तो क्या जेडीयू और बीजेपी उस धर्म संकट से गुजर रही कि आधे लोग सफाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं वो हमारा पोस्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे नेता तो यही, और आधे लोग मुस्कुरा रहे हैं और ग्राउंड पर कुछ और है? दरअसल राजीव सर जो कह रहे हैं उसमें बात थोड़ी अलग है।
अभी तक राजद और जदयू के बीच में नेताओं का आदान प्रदान होता रहा था, लोग इधर से उधर उधर से उधर जाते थे, लेकिन बीजेपी और संघ का कोई इतना बड़ा नेता वो लोजपा जैसी पार्टी में चली जाए वो बहुत सहज बात लगती नहीं है। उनका संघ में भी बड़ा महत्व रहा है, झारखंड के चुनाव में भी बहुत अच्छी पोजीशन पर रहे थे और पिछले चुनाव में आपने बताया है कि सीएम कैंडिडेट भी उनको माना गया था। तो इतनी आसान बात लगती नहीं है कि वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए वहां चले गए राजेंद्र सिंह, ऐसी महत्वाकांक्षा रही होगी। अगर होती भी तो हो सकता है वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेते। तो मैसेज तो ये जा रहा है कि जो कट्टर भाजपा समर्थक बिहार में है उनके पास ये मैसेज जा रहा है कि जदयू अपनी पार्टी है, जदयू सॉरी लोजपा, ये मैसेज धीरे धीरे जा रहा है क्योंकि नौ भाजपा के नौ बड़े नेता जो विधायक का चुनाव लड़ते रहे हैं वो इस बार अभी तक लोजपा में जा चुके हैं, ये सामान्य बात नहीं है। मतलब ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि जब वोटिंग मशीन पे कमल का फूल दिखे तो वो दबाओ, वो नहीं दिखे तो झोपड़ी दबाओ, ऐसा है। हाँ ऐसा है। और जेडीयू इसको कैसे, हाँ राजदीप, एक एक राजनीतिक विश्लेषक से मैं सुबह बात कर रहा था, उन्होंने दो बड़ी बड़ी बातें कही। एक तो कहा कि लोजपा ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मैं तो महाराष्ट्र में हमें उसे सुपारी कहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्ट लिया है एक तरह से भाजपा से कि किस तरह से जेडीयू को कमजोर किया जाए और फिर चुनाव के बाद देखते हैं पार्टी नंबर वन कौन बनती है। दूसरी बात जो उन्होंने कही जो बड़ी अच्छी लगी मुझे कि चुनाव के पहले भाजपा नीतीश कुमार को छोड़ेगी नहीं किसी भी हालत में, और चुनाव के बाद वो एक ऐसी छोड़ेगी नहीं, चुनाव के बाद भी छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यही कहा कि चुनाव के पहले वो छोड़ नहीं सकती और चुनाव के बाद वो नीतीश कुमार को छोड़ेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी जो कहा गया कि एक माहौल बन रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि लोजपा जो है वो बी टीम है एक तरह से भाजपा का, और ये जनता में भी जा सकता है लेकिन इस समय पार्टी कार्यकर्ताओं में जो समझ है वो जरूर ये मैसेज जा रहा है। अब इसका क्या मकसद है, क्यों कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार को वाकई भाजपा इतना कमजोर करना चाहती है कि मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावेदारी चुनाव के बाद भाजपा करे? एक एक इस बात पर भी चर्चा हो रही है पुष्पमित्र की कहीं ऐसा ना हो कि ये दो जो बिल्लियों की लड़ाई है या बंदरों की लड़ाई वाली बात होती है कि ये एलजेपी वोट काट रही है जेडीयू का, जेडीयू एलजेपी का वोट काट रही है और उस चक्कर में आरजेडी का परफॉर्मेंस बहुत सुधर जाए। हाँ अभी यह दिख रहा है महागठबंधन बहुत संतुलित लग रहा है, जो उनके यहाँ से जिसको जाना था वो चले गए और जो टीम है उनकी बनी हुई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट बहुत ऐसा लग नहीं रहा है। तो एक चांसेस तो उनके लिए जरूर है कि वो अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन भाजपा ने रिस्क लिया है क्योंकि भाजपा के लिए ये चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है, भाजपा को फर्क नहीं पड़ता है कि महागठबंधन सरकार बना ले, भाजपा का मुख्य मसला है कि नीतीश कुमार थोड़े कमजोर हों क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार राजद से वो आगे बढ़ सकते हैं लेकिन जब तक नीतीश हैं तब तक बिहार में नंबर वन होना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। जो उनकी छवि है उसको बीजेपी का कोई नेता क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वो पॉलिटिकली नीतीश कुमार को कमजोर करना चाह रहे हैं। अच्छा चलिए अब उस बात पर आते हैं जिसका जिक्र शुरू में किया, क्या है बिहार के मुद्दे? कुछ तो ऑब्वियस दिखते हैं, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। मैं आपकी किताब पढ़ रहा था, दूषित जल, आर्सेनिक का, आयरन का, फ्लोराइड का कवर है। दरभंगा जैसा इलाका हमें सुनते हैं कि अच्छा यार ये तो कोसी वाला इलाका है या मखाने वाला इलाका है और वहां पे पेयजल की जो समस्या है ये तो बड़ी आंखें खोल देने वाली रपटे हैं। आपके हिसाब से कौन से प्रमुख मुद्दे हैं बिहार के? सौरभ जी सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि बिहार में इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, सब लोग पॉलिटिक्स के बदले मैथमेटिक्स में लगे हुए हैं, मैथमेटिक्स सुलझा रहे हैं। लेकिन ये सवाल होने चाहिए और लोगों को खुद पूछना चाहिए कि अभी वो दो तीन महीने पहले 30 लाख लोग बिहार के अलग अलग जगहों से बहुत मुसीबत में बिहार वापस लौटे हैं कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में, ये मुद्दा खत्म हो गया, अभी नजर नहीं आ रहा है। बाढ़ अभी बीती है, 16-17 जिलों में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, अभी भी कई जगहों में पानी जमा है और लोग बहुत मुसीबत में रह रहे हैं लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं। कोरोना के समय में हम लोगों को पता चला कि डॉक्टरों की कितनी कमी है बिहार में, 75% पोस्ट डॉक्टरों के और नर्सों के खाली है बिहार, लेकिन उस पर अभी बात नहीं हो रही है। पलायन का मसला तो है ही जो मैंने पहले कहा ही, और इसके साथ साथ बेरोजगारी बड़ा मसला है। तेजस्वी ने एक कैंपेन शुरू किया था बेरोजगारी को लेकर, लेकिन वो फिर बहस से गायब हो गए।
इस तरह से कई ऐसे मसले हैं, बहुत जरूरी पानी का मसला है जो आपने कहा है, कई ऐसे बिहार के साथ मसले हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है कि 15 साल नीतीश कुमार ने यह कहते हुए शासन किया कि हम बिहार को विकसित करेंगे। 2006 में जब पहली बार इन्होंने व्हाइट पेपर पेश किया था नीतीश कुमार सरकार ने, और उन्होंने एक टारगेट रखा था कि हम बिहार को इस लेवल तक ले जाएंगे, और वो टारगेट कहीं भी अचीव नहीं हुआ। और न कोई विपक्षी दल इस पर बात कर रहा है, न जनता या वोटर कोई सवाल कर रही है। ये बहुत त्रासदी की बात है, इन मसलों पर बात होनी चाहिए। अच्छा, मैं इसे एक मुद्दा जोड़ना चाहता हूँ सौरभ, और मैं पूछना भी चाहता हूँ इस पर ज्यादा, कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ देश भर में अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स बढ़े, लेकिन अगर आप बिहार देखें तो बिहार इज डबल द नेशनल एवरेज। अगर आप केवल अप्रैल के महीने में देखें अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार, बेरोजगारी बिहार में अप्रैल के महीने में सीएमआई के फिगर्स के जरिए 31.2% बढ़ी थी, 46.6% तक बढ़ गई थी। अब इसके बावजूद कहीं उस तरह का गुस्सा क्यों नजर नहीं आता, क्यों नहीं रोष लोगों में क्यों नहीं है? लोग इस एक 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 जो गुस्सा होना चाहिए कि इतने सालों तक क्या हुआ कि बिहार में रोजगार लोगों को नहीं मिला है, और खास करके युवा पीढ़ी में। मैं ट्विटर पर देखता हूं और कभी कभी यूट्यूब पर देखता हूं, और मैं देखता हूं कि ग्रुप्स इस तरह से बन रहे हैं कि बिहारी युवाओं के लिए कौन क्या करेगा, लेकिन ये मूवमेंट क्यों नहीं बना, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं पुष्प जी, कि ये मूवमेंट क्यों नहीं बना है। हाँ, ये सवाल मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं फिर आपकी टिप्पणी, कि जब हम लोग एक पत्रकार के तौर पर बिहार जाते हैं, आम लोगों से बात करते हैं, उनकी राजनीतिक टिप्पणियों के कायल हो जाते हैं, है ना, इतने सक्रिय है वो, लेकिन वो जनादेश के स्तर पर, गवर्नेंस के स्तर पर नहीं दिखता है। तो ये दुविधा क्या है, ये ट्रेजिडी क्या है? उसमें बहुत साफ साफ बात है कि बिहार के लोग जो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक नजर आते हैं, वो उनकी जागरूकता सिर्फ ये है कि कौन पार्टी कैसे जीतेगी, कौन पार्टी कैसे हारेगी, किसमें क्या, किसका क्या गणित है, जाति का गणित क्या है, किसके कितने वोट बढ़ेंगे, इन सारे मामलों में तो बहुत जागरूक है। लेकिन हमारे मुद्दों का क्या हो रहा है, इन मसले पर वो जागरूक बिल्कुल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि बिहार को एक बुरी आदत है, वो है पलायन करने की, वो हर चीज से पलायन करते हैं। अगर बाढ़ आ गई और फसल चौपट हो गई तो सब लोग पलायन करके कहीं मजदूरी के लिए चले जाएंगे। अगर अच्छी पढ़ाई कॉलेजों में नहीं हो रही है तो उस पर सवाल नहीं करेंगे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लेंगे। अगर कहीं बिहार में इलाज नहीं हो रहा है तो वो उसके लिए सवाल नहीं करेंगे और संघर्ष नहीं करेंगे, जो बगल में बंगाल में होता है, बिहार में वो नहीं होता है, वो लोग एम्स चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। तो पलायन की एक आदत सी हो गई है हम लोगों को, वो समस्याओं से भी हम लोग पलायन करते हैं, अपने आजीविका के लिए ही नहीं, हर तरह से हम लोग हर चीज में पलायन करते हैं, यही सबसे बड़ी त्रासदी है। इसलिए हम लोग राजनीतिक रूप से, राजनीति के गणित में तो बहुत जागरूक है, लेकिन राजनीति के सोशियोलॉजी में, पॉलिटिक्स में बहुत जागरूक नहीं है, हम लोग अपने मुद्दों के प्रति बहुत सजग नहीं। लेकिन सवाल ये है कि बिहारी जब पलायन करता है, कई बिहारी जब बंबई जाते हैं बड़े मेहनत से अपनी जिंदगी बिताते हैं, और कई लोग सफल भी बहुत हुए हैं आईटी सेक्टर में भी, आईटी सेक्टर में आज अगर आप बंगलोर जाए, कई बिहारी लड़कों ने बहुत सफलता प्राप्त की है, जितने भी जनरल एग्जाम होते हैं, फिर वो जेईई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, कई बिहारी छात्र जो होते हैं उसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहारियों में कोई भी कमी है उस तरह से? नहीं, राजदीप जी, पुष्पमित्र ये कह भी नहीं रहे, वो ये कह रहे हैं कि एक नागरिक समाज के तौर पे हम जिन सुविधाओं को दूसरे राज्यों में जाकर हासिल कर रहे हैं वो मेरे राज्य में हो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी हो, जो डिमांड क्यों नहीं है मेरा। ये जब मैं पिछली बार 5 साल पहले जब मैं दरभंगा गया था, या कई जो मिथिलांचल या सीमांचल के एरिया से, वहां जब युवाओं से बात हुई, मुझे लगा उनमें बहुत ही एक अंबिशन थी कि हमें कुछ बनना है, लेकिन उस माहौल में हम कुछ बन नहीं पाएंगे, ये भी उनको एक तरह से एक बेबसी नजर आई। अब डिमांड अगर है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को और अच्छा क्यों नहीं बना सकते? और एक जमाने में पटना यूनिवर्सिटी हो या बिहार के यूनिवर्सिटीज हो, उनके एक स्टैंडर्ड हुआ करती थी। अब मैं पूछ रहा हूं कि अब जब नया जमाना एक तरह से आ गया है, एक जो यंगर जनरेशन है
वो ज्यादा डिमांड क्यों नहीं कर रहा सिस्टम से कि आप हमें ज्यादा दीजिए, बेहतर दीजिए, ये क्यों कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम कहीं बाहर जाकर ही कुछ बनते हैं, ये मुझे पूछना है। पुष्पमित्र जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि वी कीप टॉकिंग अबाउट ब्रांड नीतीश कुमार, 2015 में जब उन्होंने सत्ता के लिए दावेदारी की थी तब 7 निश्चयों की बात की थी, क्या हुआ उन 7 निश्चयों का? उसमें से ज्यादातर पर काम नहीं हुआ। एक योजना जो है नल जल की योजना आखिर में आधी अधूरे तरीके से उन्होंने लागू कर दी। स्टूडेंट को जो लोन मिलने का मसला था वो ठीक से नहीं हुआ। नालियों का जो मसला था, गांव गांव में नालियां होंगी, वो काम ठीक से नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो इस तरह अभी हर जगह बारिश होने के बाद जो जल जमाव की घटनाएं हो जाती है वो नहीं होती, तो वो बहुत आधे अधूरे तरीके से वो काम हुआ। और अब उन्होंने नया टारगेट भी सेट कर लिया है, काम नहीं हुआ बिहार में। दरअसल सौरभ, ये दिक्कत यही है कि काम उस ढंग से होता नहीं है। काम वही होता है जिसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का मसला होता है, बिल्डिंग मटेरियल जैसी चीजें होती है, इसमें बड़ा फंड एलोकेट होता है, तो उसमें सारा काम इसलिए होता है क्योंकि उसमें किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है, कुछ कमीशन आ सकता है, तो उस तरह के काम तो बहुत सारे हुए, सड़कें बन गई और बिजली का हो गया, लेकिन बाकी काम नहीं उस तरह के जरूरी काम थे। और क्या ये कहा जा सकता है कि ये मुख्यमंत्री की अपनी व्यक्तिगत छवि के लिहाज से उनका सबसे डिपिंग पीरियड है 2005, 10, 15, क्योंकि हम लोग जितना घूम रहे हैं, टीमें घूम रही हैं, नीतीश कुमार को लेकर बहुत रोष नजर आ रहा है लोगों में, हाँ, अक्रॉस द कास्ट ग्रुप। नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत नाराजगी है और ये दो बातें कही जा रही है, एक तो या तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चुप गए, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और दूसरा माना जा रहा है कि पिछले 15 सालों में उन्होंने बहुत ढंग का काम नहीं किया, थोड़े बहुत दिखावे के काम शुरुआती 4-5 साल में किए, उसके बाद कोई काम नहीं किया है, ये सामान्य फीलिंग है, और खासतौर पर भाजपा के समर्थकों में भी बहुत ज्यादा है और हर जगह है। तो नीतीश कुमार को मान लिया गया है कि वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अब नीतीश कुमार का चला जाना ठीक है। देखिए सौरभ, आप मुझे बताइए कौन सा वो उत्तर भारतीय नेता है जिसका 20 साल का कार्यकाल हुआ हो एज मुख्यमंत्री, कोई नहीं है। अगर आप राजस्थान की राजनीति देखें, हर 5 साल वहां बदलाव होता है। मध्य प्रदेश में कुछ हद तक शिवराज सिंह जी जो थे करीब 13-14 साल तक तो रहे, रमन सिंह रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि उत्तर भारतीय भारत की राजनीति में और यूपी बिहार खासकर मुख्यमंत्री लगातार बदलते रहे। अब नीतीश कुमार 15 साल रहे हैं, 15 साल बहुत बड़ा समय है एक तरह से, तो एक फटीक फैक्टर होना स्वाभाविक है। हम ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आप अगर राष्ट्र की स्थिति देख लीजिए, जनरल लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, कुछ हद तक आपको मानना पड़ेगा नीतीश कुमार ने कोशिश तो की, लेकिन एक सीमा है मुझे लगता है, और उस बाउंड्री तक अब नीतीश कुमार पहुंच गए, उसके आगे कैसे जाना है यह बहुत ही बड़ा सवाल उनके लिए, एक चुनौती है उनके लिए, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट यू कैन से एक समय आ गया। हर पॉलिटिशियन का एक समय होता है, एक युग होता है, तो मे बी वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द नीतीश युग, एक अंत हो रहा है उस नीतीश काल का। एक चीज इसमें राजदीप और जुड़ी हुई है, वो ये है कि ये सारी पार्टियां जो एक व्यक्ति के करिश्मा के इर्द गिर्द बेस्ट है, चाहे वो नवीन पटनायक हो, तो एक सवाल ये पूछा जाने लगा कि अच्छा नवीन बाबू के बाद बीजेडी का क्या, पोस्ट नीतीश जेडीयू का क्या। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात की और इससे यही जुड़ा हुआ है जो कुछ भी कह रहे हैं, जो मुद्दे हैं, ये पार्टियां मुद्दे नहीं उठाती है, ये व्यक्ति केंद्रित हो जाती है, और क्योंकि अब पार्टी व्यक्ति केंद्रित हो जाती है तो ढांचा पार्टी का उस व्यक्ति पर एक तरह से निर्भर होता है। तो जो मूवमेंट होनी चाहिए, जो अगर बेरोजगारी का मसला है, अगर वो मूवमेंट में तब्दील हो जाती तो शायद विपक्ष को ज्यादा चांसेस होते, मुझे लगता है इस चुनाव में। मैं ये नहीं कह रहा कि विपक्ष नहीं जीत सकती, लेकिन बिहार और इन सब राज्यों में ये जहां रीजनल पार्टी व्यक्ति केंद्रित है, वहां कहां वो मूवमेंट्स बन रहे, कौन सी वो राज्य, कम से कम आप तमिलनाडु में देखिए, डीएमके एक मूवमेंट के जरिए बदली, हालांकि फिर वो एक तरह से फैमिली पार्टी बन गई। यहाँ क्या है, जेडीयू जैसे पार्टी में वो शुरुआत में लगा कि वो एक तरह से मूवमेंट बनना चाहती, लेकिन बन नहीं पाई, वो व्यक्ति केंद्रित हो गई। आरजेडी को तो बहुत ही मौका था एक तरह से एक मूवमेंट की पार्टी बनने के लिए, एक क्रांति लाकर वो बनी थी,
लेकिन वो भी एक परिवार केंद्रित पार्टी बन गई। ये तो जिस दिन जेडी से आरजेडी बनी उसी दिन तय हो गया था कि उसका भविष्य क्या है। बिल्कुल पुष्यमित्र जी, आपका क्या सोचना है नीतीश कुमार के और जेडीयू के, एक्चुअली नीतीश कुमार से ज्यादा जेडीयू के पॉलिटिकल फ्यूचर पर, पोस्ट नीतीश कुमार सिनेरियो क्या है? अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। नीतीश कुमार के बाद जो लोग अभी वहाँ मुख्य धारा में हैं वो लोग बहुत प्रभावशाली नहीं, वो लोग मैनेजर किस्म के लोग हैं और उनकी छवि बहुत खराब है आम लोगों में। तो उनमें से कोई आगे आ जाएगा ऐसा लगता नहीं है, और कोई नया व्यक्ति आगे आएगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रशांत किशोर को बीच में जरूर नीतीश कुमार ने कोशिश की थी कि वो उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर सकें, लेकिन वो बात बनी नहीं। पार्टी के अंदर के लोगों ने उन्हें बहुत परेशान किया। तो अभी नीतीश कुमार के बाद जदयू में क्या है, जदयू क्या रहेगा? हो सकता है नीतीश कुमार के बाद जदयू ही खत्म हो जाए, क्योंकि पूरा भार उनकी ही छवि पर है। उनका न कार्यकर्ताओं का कोई संगठन है, ना इस तरह का कोई बैकअप है उनके पास, ना कोई चेहरा और है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी खत्म हो जाए। अच्छा, एक आखिरी चीज, ये रामविलास पासवान जी का निधन हुआ 8 अक्टूबर को, एलजेपी की और चिराग पासवान की राजनीतिक संभावनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं पुष्यमित्री जी? देखिए, रामविलास पासवान जी का जिस मौके पर निधन हुआ है तो ये जरूर है कि उनके जितने समर्थक हैं और जो इफ एंड बट की स्थिति में रहे थे वो सब एकजुट हो जाएंगे उनके चिराग के पक्ष में। लेकिन उनके समर्थक, उनके जाति के ही लोग ज्यादातर हैं, तो वो उनको उसका भरपूर लाभ जरूर मिलेगा। बाकी अक्रॉस द पार्टी या अक्रॉस द कास्ट इनका लाभ मिलेगा ऐसा लगता नहीं है। चिराग पासवान इस बार क्या करते हैं, कैसे प्रदर्शन करते हैं, वो ये भी सोच रहे हैं कि अब उनको एस्टेब्लिश्ड होना है उस ढंग से कि बिहार में सीएम कैंडिडेट के रूप में भी उनकी छवि बने, तो वो इस बार के परफॉर्मेंस पर समझ में आएगा। और ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, अगर वो कुछ 20-25 सीटें ले आए तो एक अच्छी अलग पहचान उनकी बन सकती है। वो हरियाणा की तरह सोच रहे हैं कि शायद कुछ ऐसा मौका वहां बन जाए। सौरभ भाई, एक हमेशा कहा गया था कि रामविलास पासवान जो एक तरह से है वो पॉलिटिकल सर्वाइवर है, लेकिन एक तरह से उन्होंने कभी अपना उस तरह का मास बेस नहीं बनाया। मुझे लगता है उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 2005 में रहा जब उनकी सीट आई, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे लगातार या तो उनका परफॉर्मेंस घटा है, परसेंटेज वोट्स भी कम हुए हैं। और एक बड़ा अच्छा विश्लेषण, यही राजनीतिक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, उनका कहना था कि अगर समझ लीजिए पासवान का जो समाज है वो एक तरह से रामविलास जी का जो को अपना नंबर वन नेता मानते थे वो चिराग के साथ जुट जाते हैं, लेकिन महादलित जो है वो जेडीयू के साथ आ गए हैं, जितिन राम मांझी को सीटें दी गई है, तो ऐसा भी नहीं है कि रामविलास पासवान दलितों के नेता बने, वो एक सबकास्ट के एक तरह से नेता बने। हाँ, वो पूरे बिहार में फैले हुए थे, इस वजह से उनको ये एक उनकी एक छवि बनी थी, लेकिन ये कहना कि वो एक तरह से गेम चेंजर बन सकते हैं या एक्स फैक्टर है, ये मुझे लगता है ज्यादा होगा इस समय। हालांकि चिराग प्रूव कर सकते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं के नेता बने, न केवल दलितों के नेता। मैंने जब पासवान जी और चिराग का इंटरव्यू किया था, रामविलास जी ने ये कहा था, मुझे लगता है वो उनका शायद आखिरी इंटरव्यू था कुछ हफ्तों पहले, और उन्होंने ये कहा था कि चिराग को आप दलित नेता मत मानिए, वो युवाओं के नेता है। तो ये जो उनका पूरा असर्शन यही है एक्चुअली, और देखिए वो इतना आसान नहीं है, वो आसान एक चुनाव में करवाना वो आसान नहीं होगा मुझे लगता है। और ये एक स्लोगन बड़ा अच्छा बना, मैंने सुना आपने देखा होगा पटना में, कि बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। अब ये मैंने राजस्थान वाला रेप्लीकेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल राजस्थान वाला, पर राजस्थान में बीजेपी के वर्कर्स कह रहे थे वसुंधरा मोदी तुझसे बैर नहीं, नहीं नहीं बीजेपी के वर्कर से ज्यादा वो कार्यकर्ता सॉरी वोटर कह रहे थे। चलिए वोटर कह रहे थे, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी कह रहे थे। हाँ, चलिए पुष्यमित्र जी, आप इस बातचीत से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी किताब रुकतापुर जो सार्थक पब्लिकेशन से आई है, एक बहुत जरूरी रीडिंग है। राजदीप जी, आप हिंदी में किताबें कम पढ़ते हैं, इसको जरूर पढ़िएगा। सर थोड़ा समय लगता है हिंदी में पढ़ने के लिए, लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूँ। आज मेरी कॉलम भी भास्कर में आई, और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, कॉलम उसी भास्कर में आती है और हिंदुस्तान टाइम्स में आती है। हिंदुस्तान टाइम्स की कॉलम में मुश्किल से मुझे 10 लोग रिप्लाई करते हैं, भास्कर की कॉलम में 100 से ज्यादा लोग उसका रिस्पॉन्स देते हैं। ये फर्क है। थोड़ा आप मराठी में भी लिखना शुरू करिए।
ये कॉलम मराठी में भी ट्रांसलेट होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ देखिए भारतीय भाषाओं में ही ज्ञान का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हो, और दूसरी चीज भारतीय भाषाओं में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पुष्यमित्र की किताब उसका उदाहरण है। जरूरत ये है कि ये जो आप लोग हैं इसको हम लोग बोलते ना एक ऊंचे एक वो जो आभा मंडल वाला पूरा सर्कल है जहां हाँ वहां पर इन किताबों की चर्चा होनी जरूरी है। सर आप नहीं जानते जब मराठी में बुक फेयर्स होते हैं जितने लोग वहां पहुंचते या बंगाली में होते हैं, आप जानते होंगे कोलकाता बुक फेस्टिवल में जितने लोग वहां पहुंचते हैं उसका कोई अंग्रेजी लिटरेचर फेस्टिवल में कंपैरिजन। अच्छी बात है, और राजदीप जी उसका सीधा संबंध उस महाराष्ट्रियन और बंगाली रेनेसा से है जो अंग्रेजों के जमाने में हुआ, शिक्षा का उन्नयन, समाज सुधार, स्त्री शिक्षा, इन सब चीजों का। दुर्भाग्य से उत्तर भारत में यूपी बिहार में वो ना के बराबर हुआ और उसका परिणाम हम अभुगत हैं। ये सबसे आपने ये मुझे बड़ी दुख की बात लगती है, और यही वजह है एक तरह से कि वहां के नेता जो हैं उन पर उतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जब आप एक तरह से इस तरह के का कल्चरल रेनेसांस होता है, जैसे दलित समुदाय में हुआ, दलित बुक फेस्टिवल जो महाराष्ट्र में हुआ करते थे, जो वहां जो लेखक थे किस तरह की उन्होंने किताबें लिखी है। राजदीप जी से मूवमेंट समस्या ये है कि हम उत्तर भारत के लोग समझते हैं कि समाज बदलने के लिए सत्ता बदलना काफी है, उसी में हम गुस्सा दिखा के खुश हो जाते हैं, कभी संपूर्ण क्रांति, कभी जनता दल, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, हमें लगता है कि अब बस टारगेट अचीव, लगातार का कल्चरल वो सब है। दूसरी चीज हिंदी में मुझे जब मैंने पहली दफा ये जाना तो अजीब भी लगा कि नेशनैलिटी के लिए जातीयता शब्द इस्तेमाल होता है अनुवाद में, तो हमने जाति की फिक्र तो की, जातीयता की फिक्र नहीं की कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है एक सोसाइटी के तौर पे, है ना। तो भिखारी ठाकुर पे, महेंद्र प्रसाद पे, इन सब पे उतना बात नहीं होती है। यूपी में जो चीजें थी भी उनको तज दिया गया या बहुत ही फ्रिंज एलिमेंट्स के भरोसे छोड़ दिया गया, कलाओं को, उन सब चीजों को। तो जब आपको अपनी अपने सांस्कृतिक प्रतीकों पर गौरव नहीं होगा, देखिए एक महाराष्ट्र का आदमी असर्ट करता है ना अपने आप को, चाहे वो दलित मूवमेंट का व्यक्ति हो, चाहे मराठी आइडेंटिटी का हो या नॉन मराठी का हो, चाहे वो शिवाजी महाराज के साथ हो, चाहे गणपति उत्सव के साथ हो या दूसरे उत्सवों के साथ हो, वही चीज बंगाल में लागू होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं है। जी नहीं, और इसका राजनीति पर असर हो रहा है, क्योंकि हम आज राजनीति की बात कर रहे हैं, वहां जब चुनाव होते हैं उस चुनाव पर भी उसका असर कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि वो जो हम मराठी में एक वर्ड है चळवळ, ये मूवमेंट जो होती है, उस मूवमेंट को मैंने कभी नॉर्थ इंडिया में उस तरह से आगे बढ़ते हुए नहीं देखा। बसपा का भी देखिए ना, पार्टी बनती है और उसी पार्टी से आपको लगता है दलित वाकई एक तरह से एम्पावरमेंट हो गई है कि एक सशक्तिकरण जिसे कहते हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत तो वही है जो हमने हाथरस में देखी, वो अगले लेवल पे नहीं ले जा पाए, वो भी फिर एक पार्टी एक जोत की जुट की पार्टी बन गई।